हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज हम 29 मई और 29 मई 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जी के भी डिस्कस कर लेते हैं और साथ में इसे इन क्वेश्चनों का रिविजन भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बने हैं? जो भारत की पहली उड़ान महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बने हैं वो हैं आश्रिता वियोलेटी जी, और स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता वियोलेटी भारतीय वायुसेना में फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर की भूमिका के लिए योग्य पहली और एकमात्र महिला हैं जो आर्म्ड फोर्सेस में शामिल होने वाले एयरक्राफ्ट और एयरब्रोन सिस्टम का आकलन करेंगी। स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता वियोलेटी कर्नाटक की रहने वाली हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट किचन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो जो स्मार्ट किचन योजना को शुरू किया है वो केरल राज्य की सरकार ने शुरू किया है, और इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रसोई घर को सजाने एवं नवीनीकरण के लिए कम ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के घरेलू श्रम के काम के बोझ को कम करना है। फ्रेंड्स, यहाँ बात की गई है केरल की, तो केरल से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी हैं, केरल के जो गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद खान, केरल के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं, और केरल के दो पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल की लोकसभा सीटों की अगर हम लोग बात करें तो 20 और राज्यसभा सीटें 9, विधानसभा सीटें 140 हैं। केरल के राजकीय पशु की अगर हम लोग बात करें तो केरल का जो राष्ट्रीय पशु है वो है हाथी, राजकीय पक्षी है हॉर्नबिल एवं राजकीय वृक्ष है नारियल। केरल के प्रमुख हवाई अड्डों की अगर हम लोग बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर में स्थित है, और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कोची में स्थित है, एवं कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कालीकट में स्थित है, और कोलम हवाई अड्डा जो कि कोलम में स्थित है। केरल के अगर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की हम लोग बात करें तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान, मठिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान एवं पंपादूम 16 राष्ट्रीय उद्यान, ये केरल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। फ्रेंड्स, अगर केरल के लोक नृत्यों की हम लोग बात करें तो जो लोक नृत्य हैं वो काली अट्टम, मोहिनी अट्टम, कथकली, पादयानी अट्टम, ये केरल के प्रमुख नृत्य हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अमर्त्य सेन को प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? जो प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2021 है यह स्पेन देश का सर्वोच्च सम्मान है, और इससे सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए अमर्त्य सेन को यह दिया गया। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमृत कुमार सेन को सामाजिक विज्ञान में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है, जो कि स्पेन का शीर्ष पुरस्कार है। फ्रेंड्स, टॉप 5 देशों के राष्ट्रीय सम्मानों की अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है निशान पाकिस्तान, फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है वो द लेजन ऑफ ऑनर, भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वह भारत रत्न, और अमेरिका का जो सर्वोच्च सम्मान है वह है लेजन ऑफ मेरिट, बांग्लादेश का जो सर्वोच्च सम्मान है उसे स्वाधीनता पुरस्कार कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बशार अल असद किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो जो बशार अल असद हैं ये सीरिया देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं, और फ्रेंड्स यहाँ बात की गई है सीरिया की, तो सीरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। सीरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है, और सीरिया की राजधानी जो डमास्कस है, सीरिया की जो करेंसी है वो है सीरियन पाउंड, और सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं बशार अल असद जो कि हाल ही में फिर से चुने गए, तो सीरिया के प्रधानमंत्री हुसैन अरनोस हैं, और सीरिया की सबसे लंबी नदी है यूफ्रेट्स नदी, सीरिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है माउंट हेरमोन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, विश्व भूख दिवस कब मनाया गया? तो जो विश्व भूख यानी वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया तो ये हाल ही में 28 मई को मनाया गया है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में भुखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। इस दिन को 2011 के बाद से न केवल भुखमरी की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने
के लिए बल्कि स्थायी उपक्रमों के माध्यम से भुखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस 2021 की थीम असेस एंड्स हंगर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो जो ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 को जारी किया है वो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO। फ्रेंड्स विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की एक नई रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी पर औसतन तापमान अब 1800 के दशक के अंत की तुलना में लगातार 1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है। संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी की रिपोर्ट में पाया गया कि वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग की ओर बढ़ रहा है और 40% आशंका है कि अगले 5 साल में 2021 से 2025 की अवधि में पृथ्वी का औसत वार्षिक तापमान अस्थायी रूप से किसी वर्ष 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा तक पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ बात की गई है WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। तो इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो 23 मार्च 1950 को हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसके जो महासचिव हैं पेटेरी तालस हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं गेरहार्ड एड्रियन जी इसके अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल क्लब ने यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। किस फुटबॉल क्लब ने यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है? तो यह है बिल्लारियल फुटबॉल क्लब ने। बिल्लारियल फुटबॉल क्लब ने यूरोपा लीग फुटबॉल 2021 टूर्नामेंट को जीता है। स्पेन के फुटबॉल क्लब बिल्लारियल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर पहली बार यूरोपा लीग का खिताब जीता है। फ्रेंड्स यहाँ बात की किताबों की तो हम लोग टॉप 5 खिताब के बारे में जान लेते हैं। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जो इटालियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। और UEFA विमेंस चैंपियनशिप 2020-21 किस फुटबॉल टीम ने जीती है? तो UEFA बार्सिलोना द्वारा जीती गई। किस टीम ने 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है? तो मैनचेस्टर सिटी ने 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 कौन बने हैं? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 मार्क सेल्वी जी बने हैं। और टेनिस चैंपियनशिप मियामी ओपन 2021 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो टेनिस चैंपियनशिप मियामी ओपन 2021 में पुरुष सिंगल का खिताब ह्यूबर्ट हरकच ने जीता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के जिलों में उचित देखरेख के लिए अभिभावक मंत्रियों को नियुक्त किया है? तो जो मुख्यमंत्रियों ने राज्य के जिलों में उच्च देखरेख के लिए अभिभावक मंत्रियों को नियुक्त किया है वो असम राज्य की सरकार ने किया है। अभिभावक मंत्री राज्य के सभी जिलों में सतत विकास उचित देखरेख सरकार की नीतिगत फैसलों प्रशासनिक सुधारों और जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करेंगे। वे जिले में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं को लागू करने और संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए जिम्मेदार होंगे। फ्रेंड्स यह बात की गई असम की, तो असम से जुड़े हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर और असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा हैं, असम के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी हैं, असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। असम के नेशनल पार्कों की अगर हम लोग बात करें तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोइया नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है और असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल जिसे डोला सदिया पुल भी कहा जा सकता है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है और बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम के दो पड़ोसी देश हैं भूटान बांग्लादेश। असम की लोकसभा सीटों की अगर हम लोग बात करें तो 14 हैं एवं राज्यसभा सीट 7 विधानसभा सीटें 126 हैं। असम के साथ पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। असम के प्रमुख हवाई अड्डों की अगर हम लोग बात करें तो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो कि गुवाहाटी में स्थित है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों को टेली मेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए सेहार्ट ओपीडी पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो सेहार्ट ओपीडी पोर्टल को राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत सेना नौसेना वायुसेना और पूर्व सेवा कर्मियों के रक्षा कर्मियों की सेवारत ओपीडी सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से टेली परामर्श ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस मनाया गया हाल ही में 28 मई को मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस साल 1987 के बाद से प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं के स्वास्थ्य के कल्याण से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों को हम लोग जल्दी से कर लेते हैं रिवीजन, ताकि इसी वीडियो में हमें ये क्वेश्चन याद हो जाए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं रिवीजन। भारत की जो पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो जो भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है वो है आश्रिता वी ओलेटी। स्मार्ट किचन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो जो स्मार्ट किचन योजना को शुरू किया केरल राज्य की सरकार ने। और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अमृत सेन को प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो जो प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड 2021 है यह स्पेन देश का सर्वोच्च सम्मान है। और 2021 में यह सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए अमृत सेन को दिया गया है। और बशार अल असद किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो जो बशार अल असद हैं ये सीरिया देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व भूख दिवस जो हाल ही में 28 मई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एनुअल टू डिकडेल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो जो ग्लोबल एनुअल डिकडेल क्लाइमेट रिपोर्ट है इसको विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा जारी किया गया है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है? तो जो बिल्लारियल फुटबॉल क्लब है उसने 2021 का यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के जिलों में उचित देखरेख के लिए अभिभावक मंत्रियों को नियुक्त किया है? तो जो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के जिलों को में उचित देखरेख के लिए अभिभावक मंत्रियों को नियुक्त किया है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए सेहार्ट ओपीडी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो सेहार्ट ओपीडी पोर्टल को जो लॉन्च किया है वो राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस है हाल ही में 28 मई को मनाया गया। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।